दरबार मैहर जो कि इंकावन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और बहुत सिद्ध मंदिर है माँ का। ऐसा माना जाता है कि जब भोले बाबा माँ के शरीर को लेकर के, माँ सती के शरीर को लेकर के जब भटक रहे थे तो माँ का हार यहाँ गिरा है, तो मैहर माँ का हार गिरा, इसलिए स्थान मैहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ लगभग 1056 सीढ़ियाँ हैं, मतलब 1056 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, जिनको चढ़ करके माँ के दर्शन के लिए आया जाता है। सुबह लगभग यहाँ 6:30 बजे आरती होती है, पहले श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद में आरती होती है। तो सुबह 6 बजे आरती होती है, फिर अभी एक आरती होगी 1 बजे दोपहर में, फिर शाम की आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। तो इस तरह से माता रानी का ये पूरा मंदिर का सेवा का एक विधान बना हुआ है। सुबह से लेकर के रात तक के माँ की सेवा का विधान है। पहले यहाँ पर बलि दी जाती थी, पहले कालांतर में बहुत पहले बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में जैन मुनियों के द्वारा ये बलि प्रथा को बंद कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है जो सबसे बड़े माँ के भक्त हुए वो है आला उदल। तो आला उदल जो है वो अखाड़े में इधर पीछे तरफ में मंदिर के उस साइड में पीछे तरफ में आला उदल का मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। और ये कहा जाता है कि आला सुबह सुबह आते हैं और माँ का श्रृंगार करते हैं वहाँ पर आकर, और सुबह पुजारी जी जब मंदिर के पट खोलते हैं तो वहाँ एक गुलाब लाल वहाँ पे चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोज करना चाहे तो वो अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कि क्या है एग्जैक्टली वहाँ पर। तो माँ के बहुत बड़े भक्त हैं आला उदल, अभी भी वो माँ का श्रृंगार करके जाते हैं। शाम को भी माँ की आरती होती है यहाँ पर, जो बहुत भव्य आरती होती है। और जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है उन्होंने अपनी स्थापना की है, पूजन की सबसे पहली पूजन जो है माँ की वो शंकराचार्य जी ने की है। और ये कहा जाता है कि जिनको बच्चे नहीं हैं, जिनको अगर बहुत समय से संतान नहीं हो रही है, तो इस मंदिर में संतान के लिए मन्नतें की जाती है। देखिए जगह जगह पर ये मन्नतों के धागे बंधे हुए हैं, तो ये माना जाता है कि मन्नतों के जो धागे बांधे जाते हैं और जब मन्नत पूर्ण हो जाती है तो इन धागों को खोलने भी आना पड़ता है। अभी तो संभव नहीं हो पाता खोलने आने के लिए, लेकिन हाँ मन्नतों के धागे जो है वो यहाँ जरूर बांधे जाते हैं। और माँ की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, जिनको संतान ना हो उनको संतान की प्राप्ति होती है, जिन कन्याओं की विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह यहाँ पर आकर होते हैं, जिनका विवाह होता है वो नए जोड़े पहले माँ को यहाँ कर आकर धोख देते हैं, धोख देने के बाद में ही वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिद्ध मंदिर है माँ का, अवश्य दर्शन करने चाहिए क्योंकि इंकावन शक्तिपीठों में से एक माना गया है। और माँ बहुत करुण है, माँ शारदे बहुत ही ममतामयी माँ है, बहुत ही कृपामयी माँ है। जय माँ काली।